शुमई चैनल मैं हूँ रोज लेकर आई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो और आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ आप सबकी फेवरेट मेरा फेवरेट यंग स्टनर के वीडियो पे। और ये यंग स्टनर का डियर जैनब ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है, तला अंजुम और तला यूनुस ने इसे गाया है। सो ये है रैप वीडियो सॉन्ग है। सो पहले इस वीडियो को देखेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे, तो मेरा बकबक नहीं सुनते हुए पहले ये वीडियो चेकआउट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर जैनब, डियर जैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर जैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती हुई वो तस्वीर एक जीत की अलामत है। डियर जैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर जैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती हुई वो तस्वीर एक जीत की अलामत है। उम्र 7 साल, बेफिकर वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के। छोटा सा कद और कदम उसके हल्के, और उसकी आंखों में से दुआ माँ की छलके। उसे न समझ आई हुआ क्या और हुआ क्यों, वो पूछेगी खुदा से कौन था वो ऐसा क्यों। कितने सवाल होंगे उसके लबों पे, और इधर पुलिस छिड़के नमक मेरे जख्मों पे। अब पीछे रह गए मुजाकरात मुजाहरे, सोशल मीडिया भी चुप, भूल गए सब जाहिर है। Yeah, हम तो बस फॉलो करते ट्रेंड, वक्त गुजर जाता है, एवरी स्टोरीज गॉट अ एंड। लेकिन कब तक हवा की बेटी डरती रहेगी, और कब तक वो इज्जत के मारे ही चुप रहेगी, और कब तक अहले खाना इज्जत बचाते रहेंगे, और कब तक हम नाबालिग जनाजे उठाते रहेंगे। डियर ज़ैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर ज़ैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती हुई वो तस्वीर एक जीत की अलामत है। डियर जैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर जैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती हुई वो तस्वीर एक जीत की अलामत है। बड़े अक्सर कहते लफ्जों में बड़ी ताकत है, मसला लोगों में नहीं, मसला सकाफत में, मसला इस सोच में। और न करो खुल के बात अपनों से, तभी मर्द की धड़ बने सबको दबोच रहे। मैं सारे मर्दों से अभी मुखातिब, तुम सारे इज्जत कमाते, उसको मिली इज्जत तोहफे में खुदा से। क्यों ये लोग भूल जाते कि इनको दुनिया में लाने वाली एक औरत साथ है। बड़ी अजीब सी बात है, अपने ही बच्चों के सामने खुल नहीं पाते, माशरे के इस कड़वे सच को रखते ये छुपा के। क्यों नहीं सिखाते, क्यों उनको नहीं बताते क्या गलत और क्या सही, और काफी बच्चों को जिंदा लाशें बनाने वाले अपने ही। क्यों ये बातें दब रही, क्यों हमारे मुल्क की इज्जत जिंदा लाशें बन रही। जंगल का है कानून यहाँ, लोग सारे गाफिल, जमीर को बेचें हवस की खातिर। मुझसे पूछो तो हम सारे ही जैनब के कातिल, बच्चा हर घर का बड़े नाजों से जो पलता। क्यों इस माशरे से डरता, हैवानों की इस बस्ती में क्यों सूरज नहीं निकलता। और सिर्फ सोच लेने से अंधेरे नहीं जाते, चिराग भी खुद नहीं जलता, उसको जलाना पड़ता। डियर जैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर जैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती हुई वो तस्वीर एक जीत की अलामत है। डियर जैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर जैनब, अब तू सलामत है, तेरी हस्ती हुई वो तस्वीर एक जीत की अलामत है। ये डियर जैनब वीडियो जो है, ये आप लोग को वो पता ही होगा, जैनब जो एक 12 साल की लड़की थी उसके ऊपर रेप और मर्डर हुआ था, सो इसके ऊपर है। और सीरियसली कैसे लोग होते हैं यार, लाइक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ते। आई थिंक बहुत ज्यादा ये रेप वाला सीन हो रहा है अभी, और जो विक्टिम होते हैं, मतलब जो क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि वीडियो देखने के बाद हर कोई थोड़ा सा सहम जाता है कि बच्चे, हर किसी का बच्चा होता है यार, और छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ा है इन लोगों ने, और वही लोग खुलेआम घूमते रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता है।
हर इंसान चाहता है कि आपकी बेटियां सेफ रहे, और उसके लिए आपको वो माहौल वैसा क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी बेटियां बाहर निकले तो बेफिक्र होकर निकले कि हाँ मैं इस अपने देश में बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन कब होगा आई डोंट नो। सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हर किसी के घर पे माँ बेटियां होती है, अपने माँ बहन को बेटी को जैसे आप रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की भी क्या करो, क्योंकि आपको जन्म देने वाली भी एक माँ होती है। सो हर एक औरत को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आगे क्या बोलू पता नहीं, चलो ओके ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।